नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास ब्यूटी जोन। आज का वीडियो खास टैन रिमूवल के लिए है। आपको टाइटल से पता चल गया है, गर्मियां हैं, लॉकडाउन है, बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है सन रेज की वजह से। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी टैनिंग को रिमूव करो और कैसे अपने फेस को सन एक्सपोजर से बचा के रखो ताकि टैनिंग ना हो। बहुत ही आसान से कुछ स्टेप्स हैं जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। आपको बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशंस दूंगी जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आपको टैन रिमूवल स्किन केयर करना है चाहे कोई भी स्किन केयर करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आपका फेस होना चाहिए, स्किन होनी चाहिए सुपर क्लीन। तो आप फेस वॉश कर लो अपना किसी अच्छे फेस वॉश से। मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। ये डीप क्लेंस करता है आपकी स्किन से डर्ट, ग्राइम और पोल्यूटेंट्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इस तरह का ब्लैकी ब्लैक सा लगता है, तो इसे मैं अपने पूरे फेस को वेट करके अच्छे से इससे अपना फेस क्लीन करूंगी, वॉश कर लूंगी। अब मेरा फेस सुपर क्लीन हो गया है और अब रेडी है कि मैं अपना टैन रिमूवल स्किन केयर शुरू करूँ। तो जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पहले दो बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आपको फिर से याद दिला रही हूँ इन समर्स में। ये डी टैन क्रीम, विश केयर की डी टैन क्रीम। इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको आज फिर से बताऊंगी। बहुत अच्छे से सुपर इफेक्टिव है, ऑल स्किन टाइप्स को बहुत सूट करती है। लेकिन तब भी आपको कहूंगी कि अगर आप पहली बार इसे यूज़ करोगे तो पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, बिकॉज कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि बाहर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एलर्जिक हो जाती हैं। कई बार कुछ स्किन टाइप्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी अगर आप घर पे किचन में लगाते हो ना, उससे भी एलर्जिक हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन, इसलिए पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, बट अदरवाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो अब अपने क्लीन फेस के ऊपर आपको इस क्रीम को अप्लाई करना है। इसका नाम है विश केयर ग्लो वाइट डी टैन। ये टैन रिमूवल एंड स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है। इसके ऊपर लिखा है दिस हैज़ नेचुरल टोमेटो लेमन एंड हनी। टोमेटो लेमन और हनी के फेस पैक्स बनाते हैं ना हम टैन रिमूवल के लिए, बस वही सब डाला हुआ है इसके अंदर। तो क्रीम की तरह अपने फेस के ऊपर लगाना है। इसको फेस मास्क या पैक की तरह नहीं लगाना, यही गलती लोग अक्सर करते हैं। अब आपको बताती हूँ क्या करना है। क्रीम की तरह लगाकर इसको आपको अपनी स्किन के अंदर ब्लेंड भी नहीं करना, वो होगी भी नहीं। आपको इस पूरे प्रोडक्ट को 2 से 4 मिनट तक अपनी स्किन में मसाज करना है अच्छे से। जैसे आप क्रीम को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हो ना, इतने बढ़िया तरीके से मसाज करनी है आपको अपनी पूरी स्किन में। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम है, ट्रस्ट मी, आप ट्राई ज़रूर करना। तो पूरे फेस पर, नेक पर, आप इसको अपनी बॉडी पार्ट्स कहीं पर भी लगा सकते हो, बस अपने प्राइवेट पार्ट्स पे इसको मत यूज़ करो। अब जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको फेस पर टिंगलिंग सी फील होगी, जैसे किसी ने नींबू भी है ना इसके अंदर पिपरमेंट लगा दियो, मेंथॉल लगा दिया, और थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल और थोड़ा टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग। तो डोंट वरी, कोई एलर्जी नहीं हो रही है इससे, ये सबके फेस पर होगा इसको लगाने से। इसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब आपके फेस पर जब अगर वो बहुत ज़्यादा हो ना, तब तो फेस वॉश कर लेना, इसका मतलब हो सकता है आप एलर्जिक हो। बट थोड़ी बहुत जो होती है वो नॉर्मल होती है, मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ तो मुझे पता है। अब आपने 10 to 15 मिनट्स इसको छोड़ देना, अपने आप ही ड्राई हो जाएगा फेस पर ये क्रीम, हाँ ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फेस को रिंस ऑफ करना है, वॉश कर लो या फिर एक वेट टॉवल की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लो, जैसे हम फेस पैक उतारते हैं ना वैसे। सुपर ब्राइट हो जाएगी, धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको अभी टैनिंग नहीं हुई है और आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो आपको टैनिंग होगी भी नहीं अभी। सिर्फ इतना नहीं, अच्छा अभी इसको क्लीन कर लिया ना, तो आप स्किन ऐसे ही नहीं छोड़ देनी है। ऑल दो ये क्रीम है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज तो हो गई है, लेकिन जब भी हम ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं ना, एक फेस पैक या मास्क की तरह जिसे हमने लगाया है और आपको थोड़ी टिंगलिंग फीलिंग भी दी है, तो अब हमें अपनी स्किन को सूद करना है, टोन करना है। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा टोनर ज़रूर अप्लाई कर लो जो कि सूदिंग और कामिंग हो। तो मैं विच हेजल टोनर ले रही हूँ गुड वाइब्स का, आप लैवेंडर भी ले सकते हो। पूरा स्प्रिच करो अपने फेस पर और उसको ठंडा ठंडा बैठने दो, आपकी स्किन पर एयर ड्राई होने दो। आप पैट भी कर सकते हो स्किन पर, तो इससे आपकी स्किन पर कुछ भी रैशेज नहीं होंगे, एलर्जी नहीं होगी, सूद हो जाएगी आपकी स्किन। अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है भैया, टैनिंग आगे नहीं चाहिए ना, तो सनस्क्रीन नहीं भूलना, ओके। मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की सनस्क्रीन, ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट करती है, डुअल प्रोटेक्शन देती है आपको आउटडोर इंडोर जहाँ भी हो। इसमें SPF 60 है और ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी भी है, यानी आपको ये गैजेट्स की लाइट से भी बचाती है। अच्छा और जेनरस अमाउंट लगाना होता है हमें सनस्क्रीन का, तभी वो इफेक्टिव होती है। पूरे फेस पर अच्छे से इसको सनस्क्रीन को ब्लेंड कर लो, अपने नेक पर जितना भी एक्सपोज एरिया है। नाउ योर स्किन इज मॉइस्चराइज्ड, एकदम सॉफ्ट सपल और रेडी टू फेस द सन। जाना मत बाहर, लॉकडाउन, सेल्फ लॉकडाउन अप्लाई करो।
You know, it's not safe to go out these days, right? And even if you have to go out for some necessary things, do wear a mask. Double masking karo aajkal bahut zaruri hai, because corona is eventually said that it's now airborne, so you don't know aapke around kahan hai kahan nahi hai. Isliye social distancing maintain karo, bahar mat jao, mask pehno aur apna khayal rakho. Love you so much. God bless. Bye.